T3 airport, people have just come out after almost 7 hours of waiting inside to get their RT-PCR test results. Now they are booking further tickets to get back home. So sir, aap pehle number bata sakte hain? My name is Jafar Sharif. You are from Chennai? From Chennai, yeah. So how long were you in Afghanistan? I've been there for almost 3.5 years, exactly. Yeah. What did you do there? I'm a site administrator. I have around 400 contractors working. So could you tell us what you are doing right now? Whose tickets are you booking to go where? I'm booking a ticket for the contractors who came with me. Right. Almost 34 people came along with me. It's my company people. Yeah. My company booked a ticket from Doha to here. Now it's my turn to book them, you know, to reach their home city. You have to make sure everybody will reach home, yeah. So could you tell us a bit about your journey here? What was it like? How was it difficult? Could you tell us? Journey utna जब हम लोग काबुल से, कैन यू स्पीक इन हिंदी, दैट विल बी बेटर. हम लोग जब काबुल से निकल रहे थे थोड़ा टफ था. हाँ, उसके बाद जब कतार हम लोग चले गए तो उतना मुश्किल नहीं था. उधर काबुल तक पहुंचने में थोड़ा बताइए कैसा? हाँ, जान हाथ में लेके चले, क्योंकि बाहर अटैक हो रहा है, लोग अंदर आ रहे हैं, वो जो तालिबान जो लेकर अंदर आ रहे हैं. हम लोगों का डर रहता है कि वो अंदर घुस गए तो हम लोग मार देंगे, लेकिन फैक्ट क्या है पता नहीं, लेकिन खुद का तो डर रहता है ना. तो हम लोग वैसे ही सोचा, जैसा जितना भी जल्दी हो कौन सा फ्लाइट पकड़ेंगे निकलने का. तो US आर्मी ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया, जो जो भी जाना चाहता है उन लोगों को सबको एक ही फ्लाइट में, मतलब अब देखे होगे टीम में, मतलब एक C-70 में 600 लोगों को डाल के लेके गए थे. वही सिचुएशन में हम भी निकले, उधर से क्राउडेड था, उसमें 800 लोग तक दम कर सकते हैं. आपकी फैमिली कहाँ है सर? चेन्नई में. तो उनको इस होल सिचुएशन में कैसा फील हो रहा था? आपने बताया था कि क्या सिचुएशन है? क्या है, सिर्फ ये बात सुनते ही रोना चालू हो गया. बोले कि पैसा नहीं चाहिए, आ जाओ. सब लोग बच्चे रो रहे हैं, माँ रो रही है, बीवी रो रही है, सब लोग बोल रहे हैं कि आ जाओ. जो आप पहुँच गए हैं, अब उनको कैसा लगा? मैं इधर पहुँचने की बात नहीं, जब मैं काबुल से निकल गया, जब बोला कि दोहा में हूँ, बोला तुम ठीक है चलो, तुम तो निकल गए 7 दिन या 8 दिन. मैं बोला उधर से निकलने का थोड़ा फॉर्मेलिटीज था, जल्दी निकल नहीं सकते थे, 7 दिन लगे. वो बोले कि मुश्किल नहीं, आप लोग उधर कितना आराम से निकलना हो. काबुल से निकल गए, बस खुश है सब.